दोस्तों हमने मंगा लिया दो क्रेजी फ्लैगशिप स्मार्टफोन, एक है IQ 12 और दूसरा वाला है OnePlus 12। नंबरिंग सेम है लेकिन दोनों ही फोन अलग अलग प्रकार के मार्केट को कैप्चर करने वाले हैं और इनके प्राइसिंग काफी हद तक चांस है कि आसपास ही आने वाली है। IQ 12 इंडिया में लॉन्च हो चुका है, इसकी प्राइस 50,000 से 60,000 के बीच में मिल जाएगी आपको। और OnePlus 12 हमारे पास चाइनीज वेरियंट है, इंडिया में लॉन्च होने वाला 23 जनवरी को और इसकी प्राइस 60,000 से 70,000 के अराउंड आएगी ऐसा मैं मानता हूँ। कितनी आएगी आप गेस करो। बट एक तगड़ी बात है, दोनों ही फोन के अंदर Snapdragon 8 Gen 3 बेस्ट प्रोसेसर है। तो देखते हैं भाई किसमें ज्यादा अच्छे से यूज हुआ है और स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग के साथ। IQ 12 के अंदर 120 वॉट का ये वाला चार्जर मिल जाएगा और टाइप सी केबल है और ये वाला चार्जर ना PD चार्जर है, इससे आपका लैपटॉप से लेके एयरबड्स सब चार्ज हो जाता है, वो भी अपने अपने फास्ट वाले स्पीड पे। मैंने खुद यूज किया है इसको। अब बात करते हैं OnePlus की। इसका डिब्बा अपने आप खुलता है भाई। फोन के अंदर आपको सबसे पहले तो ये कवर मिल जाता है, कवर IQ 12 में भी मिलता है और ये ट्रांसपेरेंट कवर है यार। OnePlus वाला कवर ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। और 100 वॉट का सुपर वूक चार्जर मिल जाता है और OnePlus का फेमस रेड केबल मिल जाएगा, लेकिन ये रेड केबल थोड़ा पुराना हो गया है भाई। अब USB तो टाइप सी है, मेरे हिसाब से यहाँ पे टाइप सी आ जाना चाहिए। बट हमने OnePlus को चार्ज करके देखा है भाई, 30 से 35 मिनट में 0 to 100% फुल चार्ज हो जाता है। बट अपना IQ 12 तो 20 से 25 मिनट के अंदर फुल चार्ज हो जाता है। बट बॉक्स के अंदर चार्जर तो IQ में अच्छा मिला है, तो अनबॉक्सिंग में तो विनर मैं IQ को बोलूंगा। दोनों फोन के डिजाइन और एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे वो ग्लास बॉडी यूज किया जा रहा है दोनों फोन के अंदर, दोनों में ट्रिपल कैमरा सेटअप है और ये पेरिस्कोप कैमरा भी सेम है। IQ के अंदर आपको यहाँ पे दो डिजाइन अवेलेबल है, एक ये ब्लैक कलर है और दूसरा ये व्हाइट कलर है जिसके अंदर ये BMW के बैजिंग मिल जाती है। प्लस OnePlus 12 के अंदर 3 डिफरेंट कलर है, हमारे पास यहाँ पे सिल्वर कलर है, बाकी ग्रीन एंड ब्लैक आपको अवेलेबल हो जाएगा। इन हैंड फील की बात करते हैं, IQ 12 बॉक्स डिजाइन के साथ आता है, OnePlus 12 ने कर्व डिजाइन फॉलो किया है, तो डेफिनेटली OnePlus 12 थोड़ा ज्यादा प्रीमियम लगता है, लेकिन IQ 12 प्रीमियम कम है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों फोन का फ्रेम देख सकते हो, एल्युमिनियम फ्रेम। और प्रोडक्शन के बारे में बात किया जाए तो OnePlus 12 के अंदर जो ग्लास बॉडी है गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की मिली है, जो एक फ्लैगशिप ग्लास प्रोडक्शन है एंड्रॉइड फोन्स में। और IQ में भी आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस ही मिलता है, लेकिन यहाँ पे जनरेशन 1 है, मतलब दोनों फोन की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, गिरेगा कोई भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर डिजाइन की बात की जाए, IQ थोड़ा सा ज्यादा हैंडी लग रहा है मुझे, इन हैंड बहुत ही अच्छा ग्रिप आ रहा है इसका। OnePlus 12 थोड़ा सा ज्यादा बड़ा और बल्की फील हो रहा है, अगर साइड बाय साइड देखेंगे ना तो OnePlus थोड़ा सा बस चौड़ा ज्यादा है और बहुत ही स्लाइट सा लंबा भी है, क्योंकि इसका डिस्प्ले बड़ा भी है भाई। दोनों फोन के जब आप यूज करोगे इन हैंड फील अच्छा और प्रीमियम आएगा, क्योंकि आप पकड़ तो ग्लास ही रहे हो, लेकिन IQ आपको यहाँ पे फ्रॉस्ट और मेटालिक ग्लास बॉडी मिला है और OnePlus के अंदर ऐसे ग्लॉसी डिजाइन मिला है जो थोड़ा सा ज्यादा स्लिपी भी होता है, जो डिजाइन का डिसएडवांटेज है, बट फोन देखने में प्रीमियम लगता है। लेकिन यहाँ पे दो लोग हैं, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? इनको IQ लग रहा है अच्छा, अपने शुएब भाई को भी IQ अच्छा लग रहा है? ऑलवेज लव। क्यों भाई? मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये दिन में 2 बार तो छूटेगा यहाँ से, कवर लगा लेना। वैसे IQ का जो कैमरा है ना, इसके ऊपर बहुत सारे फिंगरप्रिंट इमेजेस आते हैं, तो इसका डिसएडवांटेज है जिसको आपको बार बार साफ करना पड़ेगा। आपको कौन सा डिजाइन अच्छा लग रहा है कमेंट में बताओ भाई, और लड़ाई खत्म करवा दो हमारी। और दोनों ही फोन में IQ ज्यादा पतला है, 8.3 mm के थिकनेस के साथ आता है और OnePlus 12 9.3 mm के थिकनेस के साथ आता है, तो थोड़ा सा मोटा है, लेकिन भाई मोटा लंबा इंपॉर्टेंट होता है भाई, प्रीमियम फोन की बात कर रहा हूं मैं। और वेट में OnePlus 12 220 ग्राम का है, लेकिन अपना IQ 12 198 ग्राम का है, तो डिजाइन में काफी हद तक इक्वल फील हो रहा है, लेकिन OnePlus को जिताना चाहता हूं मैं डिजाइन में, लेकिन IQ 12 जीतेगा भाई, क्योंकि इसका वेट कम है और पतला भी ज्यादा है। और दोनों फोन का आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। राइट साइड में दोनों फोन में पावर बटन और वॉल्यूम वाले बटन हैं, टॉप पे सेकेंडरी स्पीकर भी है, दोनों में आयर ब्लास्टर भी है और सेकेंडरी माइक्रोफोन है, काफी ज्यादा सिमिलर है। लेकिन जैसे ही फोन घुमाओगे लेफ्ट साइड, यहाँ पे अपना IQ सपाट है, लेकिन OnePlus के अंदर ये अलर्ट स्लाइडर मिलता है। OnePlus 12 में अलर्ट स्लाइडर का प्लेसमेंट चेंज कर दिया गया, पहले यहाँ आता था अब यहाँ आ रहा है, लेकिन IQ 12 के कंपैरिजन में ये एक बहुत ज्यादा हेल्पफुल बटन होता है, जब भी चाहो साइलेंट कर सकते हो फोन को, या वाइब्रेट मोड पे डाल सकते हो या फिर रिंग मोड पे, और ये चीज डेली लाइफ में बहुत काम करती है। IQ को भी कुछ ऐसे इंप्लीमेंट करना चाहिए। और बॉटम से देखा जाए टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा, प्राइमरी स्पीकर है और ये है सिम ट्रे, और दोनों ही फोन के अंदर डुअल सिम लगता है, नो SD कार्ड मेमोरी एक्सपेंशन। एक चीज मैंने नोटिस की दोस्तों, पूरी फोन का जो बॉडी और स्ट्रक्चर है ना काफी ज्यादा सिमिलर है, क्योंकि जो IQ है ये वीवो के घर से आता है और जो अपना OnePlus है ये ओप्पो के घर से आता है, और वीवो और ओप्पो भाई भाई है, उस हिसाब से दोनों फोन चेहरे भाई हुए, कोड क्रैक करते हैं भाई। एक चीज और नोटिस किया मैंने, दोनों ही फोन के अंदर जो कैमरा प्लेसमेंट भी ना सिमिलर है, मेन कैमरा यहाँ पे है, वाइड एंगल कैमरा यहाँ पे, और
पेरिस्कोप कैमरा यहाँ पे, मेरे को लगता है अंदर बॉडी भी काफी हद तक सिमिलर से होगी। डिस्प्ले की बात करते हैं, आईक्यू 12 फ्लैट स्टाइल डिस्प्ले के साथ आता है, और अपना वन प्लस 12 ये कर्व डिस्प्ले के साथ आता है, और डिस्प्ले साइज में वन प्लस 12 ज्यादा बड़ा है, 6.82 इंच की डिस्प्ले इसके अंदर, और आईक्यू 12 के अंदर 6.78 इंच की डिस्प्ले, और डिस्प्ले की चौड़ाई देखो अगर तो आईक्यू थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा लगेगा आपको, क्योंकि आईक्यू का फोन है तो गेम भी तो खेलना है भाई, और गेम खेलने का चौड़ा डिस्प्ले मस्त होता है। और डिस्प्ले स्पेक्स की बात करें एक्जैक्टली सिमिलर है, आईक्यू के अंदर 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है, LTPO डिस्प्ले, 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, HDR 10 प्लस का सर्टिफिकेशन है, और वन प्लस 12 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है, LTPO डिस्प्ले, कर्व डिस्प्ले, HDR 10 भी है, 10 बिट डिस्प्ले भी, तो काफी तगड़ी डिस्प्ले। लेकिन अगर ब्राइटनेस की बात करूं, अभी दोनों ही फोन फुल ब्राइटनेस पे हैं, और अगर देखा जाए तो आईक्यू 12 ज्यादा ब्राइट फील होता है। नॉर्मल जो फुल ब्राइटनेस है आईक्यू 12 के 1400 निट्स है, पीक ब्राइटनेस 3000 निट्स की है, और वन प्लस 12 के अंदर नॉर्मल वाला फुल पावर पे ब्राइटनेस 1600 निट्स का है। रियल लाइफ में मुझे तो आईक्यू ज्यादा ब्राइट लग रहा है, लेकिन वन प्लस ने हार्डवेयर स्ट्रॉन्ग दिया है, तो डेफिनेटली अपडेट्स के बाद थोड़े बहुत बग्स फिक्स करने के बाद इसके डिस्प्ले की ब्राइटनेस थोड़ी ज्यादा निकल के आ जाएगी। पर्सनल ओपिनियन, डिस्प्ले इतना सिमिलर है, एक बार दोनों पे यूट्यूब प्ले करते हैं, HDR डिस्प्ले, HDR कंटेंट प्ले करेंगे। अभी दोनों ही डिस्प्ले आपको फुल ब्राइटनेस पे है, और डेफिनेटली मुझे वन प्लस थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट लग रहा है, और वीडियो प्ले करते हैं 4K 60fps HDR में। आईक्यू के अंदर कलर्स थोड़े ज्यादा वाइब्रेंट है, वन प्लस में नेचुरल टोन पे, और वन प्लस की स्क्रीन थोड़ी ज्यादा सिनेमैटिक लग रही है जो महंगे फोन्स में आती है। आईक्यू की भी डिस्प्ले काफी ज्यादा अमेजिंग है, कलर्स काफी शार्प आ रहे हैं, लेकिन वन प्लस में डिटेल्स ज्यादा अच्छी निकल के आ रही है। गेम खेलने के लिए आईक्यू ज्यादा अच्छा रहेगा, और एंटरटेनमेंट के लिए वन प्लस ज्यादा अच्छा रहेगा। सरप्राइजिंग बात है, आईक्यू में कॉन्टेंट देखते टाइम ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले फील होती है, और जो वन प्लस का 4500 निट्स का HDR पीक ब्राइटनेस है वो कुछ ऐसा काम का नहीं है भाई, नंबर गेम ज्यादा फील हो रहा है, तो डिस्प्ले में काफी हद तक मामला ड्रॉ होता है, लेकिन कर्व डिस्प्ले होने की वजह से मुझे वन प्लस ज्यादा बेटर लग रहा है, लेकिन गेम खेलना है तो फ्लैट डिस्प्ले के लिए आईक्यू ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर सिक्योरिटी वाइज बात की जाए, दोनों ही फोन के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, देखो टैप किया खुल गया, आईक्यू टैप किया खुल गया, भाई दोनों ही काफी फास्ट है। दोनों ही फोन में मेरा फेस अनलॉक लगा हुआ है, लॉक किया अनलॉक किया, एक बार में डायरेक्टली खुल जा रहा है, दोनों ही का बहुत फास्ट है। स्पीकर्स कंपेयर करते हैं, दोनों ही फोन के अंदर है तो डुअल स्पीकर, लेकिन पावरफुल कौन सा है, एक हाईफाई दमदार गाना चलाते हैं, फुल वॉल्यूम है। और अब आईक्यू 12 की बारी, फुल वॉल्यूम, भाई दोनों का स्पीकर एग्जैक्टली सिमिलर फील हो रहा है, अगेन वन प्लस आईक्यू एग्जैक्टली सिमिलर है भाई ये तो। और नॉर्मल परफॉर्मेंस की बात की जाए, वन प्लस हो या आईक्यू हो, दोनों के अंदर आपको सिमिलर प्रोसेसर है, और परफॉर्मेंस भी काफी हद तक सिमिलर ही फील होती है। जैसे कि अभी अगर मैं यूट्यूब प्ले करता हूँ, देखो दोनों ने यूट्यूब को बैकग्राउंड प्ले कर रखा था, एक बार दोनों में BGMI चलाते हैं, देखते हैं पहले किसमें खुलता है। देखो आईक्यू ज्यादा आ गया, आईक्यू ने खोल दिया पहले, और 5 सेकंड के बाद वन प्लस ने भी ओपन कर दिया। दोनों फोन की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा स्नैपी है, किसी एक को विनर बोलना होगा मैं डेफिनेटली आईक्यू को बोलने वाला हूँ, क्योंकि इसकी ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही अच्छी है, और जो परफॉर्मेंस होता है वो लॉन्ग टर्म में देखा जाता है, मतलब कि 6-7 महीने के बाद कौन सा फोन अभी भी स्टेबल परफॉर्मेंस दे रहा है। और अपने एक्सपीरियंस से बताऊं मैं आपको, आईक्यू हो या वन प्लस हो, दोनों के बहुत पॉजिटिव रिव्यूज आते हैं। लेकिन अगर गेमिंग एक्सपीरियंस के बारे में बात करें, तो हमारे गेमिंग चैनल पे इसका BGMI कंपैरिजन आ रहा है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। लेकिन इनिशियली मैं बताऊं, देखो आईक्यू के अंदर आपको डेफिनेटली ज्यादा अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस आता है, क्योंकि इसके डिस्प्ले के ऊपर फिंगर्स मस्त फिसलते हैं, और आईक्यू का टच रिस्पॉन्स भी काफी सही है। वन प्लस के अंदर आपको फिंगर्स उतने तेजी से फिसलते नहीं है, क्योंकि वन प्लस का डिस्प्ले टिपिकली ऐसे ही सी होती है जो यूज करने में काफी स्मूथ रहती है, लेकिन उंगलियां थोड़ी कम फिसलती है, ये मेरे पर्सनली फील किया है। आपके लिए क्विक स्पीड टेस्ट करते हैं, सेम वाईफाई से कनेक्ट है दोनों फोन, बैकग्राउंड में कोई भी एप्लीकेशन नहीं है, फोन डायलर सिमिलर, मैसेज ऑलमोस्ट सिमिलर, गूगल क्रोम आईक्यू में पहले खुला, कैमरा वन प्लस में UI पहले आया था, यूट्यूब सेम टाइम, यूट्यूब म्यूजिक सेम टाइम। तो जैसे कि आपने देखा दोस्तों, सिमिलर परफॉर्मेंस आती है दोनों फोन के अंदर। बात करते हैं दोनों फोन के कैमरास के बारे में, भाई एंड्रॉइड फोन्स में कैमरा में अलग ही अपग्रेड आ गया है। मतलब ये जो आईक्यू 12 है 50,000 रुपए का फोन है भाई, लेकिन क्या कैमरा है इसका, एक नंबर। और वन प्लस 12 इसकी प्राइस पता नहीं हमें, लेकिन 80 के अराउंड आने वाली है, और इसका भी कैमरा क्या ही कैमरा है। नंबर्स के बारे में बात करते हैं, वन प्लस का मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, आईक्यू भी सेम 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, और 64 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो 3x कैमरा लेंस है। लेकिन वाइड एंगल में डिफरेंस आ गया, वन प्लस वाइड एंगल लेके आता है 48 मेगापिक्सल का, और आईक्यू लेके आता है 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल। तो चलो फिर जल्दी से फोटोज ले लेते हैं।
और दोनों ही फोन के ऊपर हमने जम के खूब सारे फोटोज लिए हैं। तो एक बार देखते हैं किसका कैमरा बवाल है और किसका थोड़ा कम बवाल है। सबसे पहले हमने भाई ह्यूमन बॉडी की काफी सारी फोटोज कैप्चर किए, कुछ कुछ फूल पत्तियों की भी फोटो क्लिक किए। इसी से स्टार्ट करते हैं, ये दोनों फोटो आपको पोर्ट्रेट किए, ठीक है। डिटेल्स में डेफिनेटली आपको यहाँ पे वन प्लस थोड़ा ज्यादा बेटर इस फोटो में। आप देख सकते हो आईक्यू के अंदर डिटेल्स उतने अच्छे नहीं है और यहाँ पे हल्का सा ब्लर भी हो गया, लेकिन जो नेचुरल ब्लर और एज डिटेक्शन है वो आपको आईक्यू में ज्यादा बेटर है। वन प्लस में आर्टिफिशियल ब्लर फील हो रहा है। ये वाली फोटो की बात करते हैं, यहाँ पे आईक्यू के अंदर आपको थोड़ा सैचुरेशन है लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं है, कलर्स काफी तक क्लोज आए हैं। वन प्लस की फोटो थोड़ी नेचुरल ज्यादा लग रही है लेकिन पत्तों के ऊपर या फूल के ऊपर एक्सपोजर मेंटेन आईक्यू ने ज्यादा बेटर किया है। वन प्लस में काफी हद तक व्हाइट व्हाइट दिख रहा है मामला, और जो बैकग्राउंड ब्लर है तो काफी ज्यादा आर्टिफिशियल लग रहा है वन प्लस में। ये वाले फोटो के अंदर डिटेल्स के मामले में तो आईक्यू ने बहुत ज्यादा बाजी मार ली है। वन प्लस में यहाँ पर डिटेल्स थोड़े कम है लेकिन जो स्किन टोन आपको क्लोज वन प्लस में आया नेचुरल स्किन टोन है। आईक्यू ने थोड़ा बहुत पाउडर लगा दिया यहाँ पे, लेकिन जो एक्सपोजर मेंटेन होता है आप शोल्डर पर देख सकते हो आईक्यू ने ज्यादा बेटर मेंटेन किया है। इस वाले फोटो में भी सेम कहानी है, कलर्स वन प्लस के अच्छे हैं, आईक्यू में डिटेल ज्यादा अच्छी है। ये वाले फोटो में भी एक्जैक्टली सेम कहानी है, कुछ कुछ फोटोज दोनों ही फोन के काफी ज्यादा कमाल के आए आप देख सकते हो। और ये वाले फोटो में आईक्यू ने कमाल कर दिया भाई, कलर्स भी बहुत ही ज्यादा शार्प और अच्छे निकाले। यहाँ पे वन प्लस ने एक्सपोजर उतना अच्छा मेंटेन नहीं किया और डिटेल्स में भी आईक्यू ने बाजी मारी है। और यहाँ पे कुछ वाइड एंगल की फोटोज है, इसमें वन वर्ड विनर आपको वन प्लस निकल के आता है बिकॉज ऑफ द क्वालिटी और कलर्स काफी नेचुरल है। आईक्यू में क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आ पा रही है और ना ही कलर्स मेंटेन हो पा रहा है। कुछ और सैंपल आप देख सकते हो यहाँ पे वाइड एंगल की सारे फोटोज है। जूम करने के बाद तो आईक्यू में कलर्स भी अच्छे मेंटेन नहीं है। देखो स्वेटर का कलर यहाँ पे ग्रीन था जो कि नेचुरल है, आईक्यू ने इसको रेड और पर्पल कर दिया है। और ये फोटोज आपको नॉर्मल कैमरा की, यहाँ पर भी सेम सिनेरियो है। वन प्लस ने यहाँ पे डिटेल्स बहुत ही अच्छा मेंटेन किया है, आईक्यू में डिटेल्स थोड़े से कम आ रहे हैं। अब दोनों फोन के अंदर प्राइस डिफरेंस कितना आने वाला है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन जो वन प्लस का मेन कैमरा है और जो वाइड एंगल कैमरा है ये काफी कमाल का है। आईक्यू का भी कैमरा काफी अच्छा है, प्राइस के हिसाब से भी काफी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वाइड एंगल और मेन कैमरा में वन प्लस विनर है। बट पोर्ट्रेट की बात की जाए, जो फोटो हम लोग काफी ज्यादा आजकल ले रहे हैं वो पोर्ट्रेट में आईक्यू ने बहुत कमाल का काम किया है। और अगर सेल्फी कैमराज की बात की जाए, वन प्लस काफी वाइट फोटोज ले लेता है और जो उसके स्किन टोन है ये काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं मुझे। आईक्यू थोड़ा सा वाइट कर देता है लेकिन जो डिटेल्स हैं सेल्फी के अंदर वो आईक्यू में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, बहुत शार्प है। ये वाले ग्रुप सेल्फी में भी आप देख सकते हो कितना वाइट फोटो लिया है वन प्लस ने। तो सिंपली सेल्फी कैमरा में आईक्यू विनर है डिटेल्स के हिसाब से। बट वन प्लस के अंदर भूलना नहीं है आपको, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग हो पाती है और सेल्फी भी अच्छी निकाल लेता है, डिटेल्स थोड़ी सी कम है। तो अच्छी सेल्फी लेनी तो आईक्यू, लेकिन अच्छी सेल्फी वीडियो बनानी है तो वन प्लस। वीडियोज की बात करते हैं, वन प्लस के अंदर आप देख सकते हो 8K 24fps तक रिकॉर्ड कर सकते हो, 4K 30 एंड 60fps भी आपको अवेलेबल है। और आईक्यू 12 की बात करते हैं, यहाँ पे भी 8K 30fps तक रिकॉर्ड कर सकते हो आप और 4K में भी 60fps सपोर्ट करता है। और जो सेल्फी वीडियो है यहाँ पे बस 1080p और 720p 30fps मिलेगा। आईक्यू 12 का सेल्फी कैमरा वन प्लस 12 के सामने थोड़ा सा वीक है, क्योंकि वन प्लस के सेल्फी कैमरा से भी आप 4K 30fps तक रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन फोन की प्राइस भी तो काफी ज्यादा है। यहाँ पे आप सेल्फी देखोगे वन प्लस के अंदर बहुत वाइड सेल्फी आती है क्योंकि 32 मेगापिक्सल की है, और आईक्यू के अंदर है 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा और ये उतना वाइड नहीं है। दोनों फोन के बैटरी के बारे में बात की जाए, वन प्लस के अंदर है 5400mAh की बैटरी विद 100W का चार्जर और आईक्यू के अंदर है 5000mAh की बैटरी विद 120W का चार्जर। मतलब एक की चार्जिंग फास्ट है, एक की बैटरी तगड़ी है। मुझे लगता है बैटरी तगड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वन प्लस की डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट है और ये ज्यादा बैटरी भी कंज्यूम करेगी। कुल मिला के आपको हमारे ड्रेन टेस्ट की वीडियो को वेट करना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है बैटरी में काफी अच्छा ऑप्टिमाइजेशन आपको वन प्लस के अंदर मिलने वाला है। तो बैटरी का विनर अपना वन प्लस है। तो अगर कंक्लूड करते हैं दोनों ही फोन को, आपको कौन सा लेना चाहिए, वन प्लस 12 या आईक्यू 12? देखो सिंपल आंसर है, अगर आपको पैसे बचा के वैल्यू फॉर मनी, तगड़ा परफॉर्मेंस, तगड़े कैमरा, तगड़े डिस्प्ले और तगड़े चार्जिंग वाला फोन चाहिए, आईक्यू 12 भाई बहुत ही अमेजिंग फोन है। इसको बीट करने के लिए थोड़ा जिगरा चाहिए होगा। वन प्लस 12 भाई प्रीमियम लेगेसी ब्रांड है जो आप कैरी करोगे कॉन्फिडेंस के साथ। इसको हम लोग रखते हैं सैमसंग और आईफोन के सामने और भाई ये फील वाइज ज्यादा प्रीमियम लगा मुझे। कैमरा भी इसका काफी ज्यादा तगड़ा है, बैटरी भी अच्छी है और ये जो कर्व डिस्प्ले वो भी काफी अच्छा है, लेकिन इसकी प्राइस अराउंड 20,000 से 25,000 रुपए ज्यादा आने वाली है। तो दोनों ही फोन ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से आईक्यू 12 मैं विनर बोलने वाला हूँ इस वाले कंपैरिजन का। बट ऐसा नहीं कि वन प्लस 12 अच्छा नहीं है, इसकी प्राइस अभी इंडिया में नहीं आई है। तो अगर एग्रेसिव जाके वन प्लस ने इसकी प्राइस 60,000 रख दी तो इसको मैं रिकमेंड करूंगा और काइंड ऑफ वन प्लस 12 को मैं इस वाले कंपैरिजन का विनर कहूंगा, लेकिन ये प्राइस पता नहीं है तो थोड़ा सा कंफ्यूज होने वाला हूं मैं। और इसी नोट के साथ इस वाले वीडियो को लेते रखते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब कर देना, बाय।